अगर आप कर रहे हैं एनआईएससी, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट या किसी टेट एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स, कंसेप्चुअल डिस्कशन और एमसीक्यूज हैं उससे आप लाभ उठा सकते हैं। आने वाले समय में और भी बेहतरीन नोट्स आपके लिए लाए जाएंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो शिक्षक एनआईएससी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर असाइनमेंट को निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एनआईएस का असाइनमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, ये बात हमने आपको कल ही ये बात आपको बताई थी और उसके बाद ये हमने एनआईएस को भी नोटिस भेजी थी। तो योर ऑनलाइन पार्टनर के नोटिस पर और जो हमारी वीडियो थी उसकी पहल पर एनआईएस ने इसमें सुधार किया है। कल रात से ही पोर्टल को डाउन कर दिया गया था। सुबह के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जो है वो पूरी तरीके से एरर आ रहा था। अब जाके एनआईएस ने फिर से स्टडी मटेरियल को चेंज करके, मतलब असाइनमेंट को चेंज करके डाला है। जब आप यहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो असाइनमेंट एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टीचर सेक्शन में चले जाएंगे और टीचर सेक्शन में जाके यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑफ सेकेंड ईयर देख सकते हैं। तो उन्होंने जो अब यहाँ पर नया असाइनमेंट बनाया है उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया है। देखिए आप यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है। आपने अगर नोट किया होगा, जो हमारा वीडियो कल परसों में आया था उसमें अगर आपने देखा होगा, तो इन्होंने क्या किया था कि सारे असाइनमेंट में टोटल 30 मार्क्स नहीं थे, किसी किसी में 25 मार्क्स थे, किसी में 1000 वर्ड में लिखना था 5 मार्क्स के लिए, किसी में मतलब 1000 वर्ड्स में 10 मार्क्स के लिए लिखना था। अब इन्होंने एक पैटर्न कर दिया है। पैटर्न ये किया है कि अगर आपको 500 शब्द में लिखना है तो आपका वो 5 मार्क वो देंगे, अगर आपको 1000 शब्द में लिखना है तो आपको 10 मार्क्स देंगे। तो किसी एक असाइनमेंट में अगर आपको 500 शब्द में लिखना है तो आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल 10 मार्क्स का। अगर आपको किसी असाइनमेंट में 1000 मार्क्स में लिखना है, 1000 वर्ड्स में लिखना है, तो 1000 वर्ड में आपको 10 मार्क्स मिलेगा और उस असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पैटर्न बना दिया, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 506 का देखते हैं, कोर्स 506 समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। इसमें यहाँ पर असाइनमेंट 1 जो है इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का, वो भी आपको 500 मार्क्स वर्ड में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का, ये भी आपको 500 वर्ड में लिखना है। इसी प्रकार से असाइनमेंट 2 में भी सेम है, लेकिन असाइनमेंट 3 में जब आप जाइएगा तो आपको 1000 वर्ड में लिखना है और क्वेश्चन का है 10 मार्क्स और एक ही क्वेश्चन है। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न उन्होंने दिया है और ये चीज़ हमने भी वहाँ बात की थी, तो अब यहाँ पर जो है ठीक कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर असाइनमेंट जो भी लोग कॉपी कर रहे थे या कहीं से नकल कर रहे थे तो एक बार आप कन्फर्म कर लीजिए, आप जो है आप सही सही क्वेश्चन बनाएं और अपने से बनाएं और जितने भी वर्ड्स में कहा जा रहा है उतने वर्ड्स में लिखें, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे। अगर कहीं पर आपको मान लीजिए कि 1000 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन को आपने 500-600 वर्ड्स में लिख दिए हैं आप, तो मार्क्स तो बिल्कुल कम आएगा। और आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क्स आपका थ्योरी होता है, यहाँ पर 30 मार्क्स टोटल आप उठा सकते हैं, जिससे कि आपका टोटल अगर आप देखिए अभी जो मार्किंग आया 100 out of 100, बहुत लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया। क्यों? क्योंकि उन्हें 25, 27, 28 नंबर, 29 नंबर तक मिले थे असाइनमेंट में, तो वो मार्क्स आपका एक तरह से कहिए तो पूरी तरीके से हो जाता है। वही 1-2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में, आपको देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कितना पढ़ते हैं तब जाके आपको 2 नंबर आता है। यहाँ पर अगर असाइनमेंट में आप थोड़ा सा अपने से बनाएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, कहीं से खरीद के कॉपी नहीं करेंगे, किसी किताब से नहीं छापेंगे, अपने से अगर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नंबर आएगा, आपका जो है मतलब वो कैंसिल होगा। बहुत लोगों का असाइनमेंट का मार्क्स चढ़ाया ही नहीं जाता, इस वजह से बहुत लोगों का कैंसिल हो जाता है, बहुत लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो ये सब परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग भी जो है एक सही तरीका अपनाएंगे और इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और असाइनमेंट को एक बार आप लोग भी अपने तरीके से देख लीजिए। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और यहां से जाके आप लोग नया असाइनमेंट देखिए, ध्यान से देखिए किसको कितने वर्ड में लिखना है, उस हिसाब से आप बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
उम्मीद है कि अन अकेडमी पे आप लोग जो नए 506 507 के ब्लॉग्स हैं उसे आप लोग जरूर देख रहे होंगे। हालांकि बहुत कम लोग 507 में हमने रिसेंटली 4 वीडियो डाला है जो कि बहुत कम लोगों ने देखा है। जल्द से जल्द जाके आप लोग वहां पर देखिए। और अन अकेडमी पे सीटेट में हम लोग रैंक 1 चल रहे हैं। जितने भी अन अकेडमी के ट्यूटर हैं उनमें हमारा रैंकिंग आप देखेंगे अगर ओपन करेंगे तो रैंकिंग वन एडुकेटर अपना है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। दीजिए इजाजत। बाय बाय। जय हिंद।